हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अरव्यू नोवल। यह सोल लैंड की नोवल की समरी पर बेस्ड पार्ट 21 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन ने आह भरते हुए तुरंत ही साओवू को बाहों में खींच लिया और पूरी कहानी बताता है किस तरह से दामिंग और अर्मिंग को बीबी डोंग ने घायल कर दिया था और उसके बाद उन्होंने साओवू के लिए खुद का सेक्रीफाइस किया। इसके बाद तांगसन बीबी डोंग से हुई फाइट के बारे में भी बताने लगता है और कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय बीबी डोंग कुछ परेशान सी लग रही थी, उसकी बॉडी में कोई परेशानी है। वह अपनी पूरी पावर से मुझ पर अटैक कर सकती थी, नहीं तो मैं इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल सकता था। इस पर रोंग रोंग कहती है, थर्ड ब्रदर, तो इसका मतलब वुहान हाल में सबसे पावरफुल वह एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्यान डोलियो नहीं होना चाहिए बल्कि बीबी डोंग होगी। अगर वह युद्ध के मैदान में आती है तो हमें क्या करना चाहिए? उसका पॉइजन डोमेन निश्चित ही हमारी आर्मी के लिए घातक होगा। इस पर तांगसन कहता है, मैं अभी बीबी डोंग को हरा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यदि वह युद्ध के मैदान में आती है तो मुझे विश्वास है मैं उस पर लगाम लगा सकता हूँ। मैं उसे मैदान में आने ही नहीं दूंगा। इसके अलावा यदि फाइट शुरू होती है तो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के लेवल के ओपोनेंट का सामना कर सकते हैं। युद्ध का मैदान वैसा नहीं है जैसा कि हमें सी गॉड आयरलैंड में ट्रेनिंग के दौरान मिला था। वह एक ट्रू किलिंग प्लेस है। एल्डर घोस्ट को मारते हुए और सोल बीस्ट का शिकार करते हुए मुझे पूरी तरह से 3 सोल बॉन मिली। एक साओवू ने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी 2 भी अच्छी हैं। बोलते समय तांगसन ने अपने बेल्ट से 2 सोल बॉन निकाल लेता है। जैसे ही तांगसन ने सोल बॉन को निकाला, आसपास की लगभग 100 मीटर की जगह पर एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगा। इन सोल बॉन में से एक ब्लैक सोल बॉन राइट लेग की सोल बॉन थी, जिसे जूजू क्वीन को सौंप दी। यह एल्डर घोष्ट से मिली थी जो एजिलिटी टाइप सोल मास्टर को सूट करेगा। साथ ही दूसरी वाइट सोल बॉन राइट हैंड की सोल बॉन थी, एक टाइगर स्प्रिट मास्टर को सूट करेगा। कहने के साथ सोल बॉन को दाइमोबाई को दे दिया और आगे बताता है, वह 60,000 या 70,000 के वाइट आई डेविल टाइगर किंग को मारने के बाद मिला है। वह सनसेट फॉरेस्ट का ओवरलॉर्ड भी था। जूजू क्वीन और दाइमोबाई ने भी बिना देर किए सोल बॉन को लेते हुए एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ गए। तांगसन के अनुसार इससे न केवल इनकी फिजिकल एबिलिटी बढ़ेगी बल्कि सोल लेवल भी नेक्स्ट लेवल पर पहुँचना चाहिए। कुछ 4 घंटों में एब्जॉर्प्शन कम्प्लीट होता है। उनकी सोल पावर रैंक भी इनक्रीज हो गई, जूजू क्वीन की 84 और दाइमोबाई की 82 हो जाती है। इसके बाद उन्होंने फिर से चलना शुरू नहीं किया, स्काउटिंग डिसाइपल से इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। यह एक सिंगल लाइन रूट है और हेवन ड्यू एम्पायर और फ्रंट लाइन के बीच कनेक्टिंग पॉइंट भी है। यदि बोहन एम्पायर ने सप्लाई को कट करने के लिए सेना भेजी तो वे हेवन ड्यू एम्पायर में बहुत दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें भी कुछ सिटी से गुजरना होगा, इसलिए यहाँ पर इंतजार करना सही है। 3 दिन बीत जाते हैं, अभी तक कोई हंगामा नहीं हुआ होता है। रोंग रोंग कहती है, थर्ड ब्रदर, तुमने गलत अनुमान नहीं लगाया है। यदि बोहान एम्पायर ओवर कॉन्फिडेंट होगा तो फिर सप्लाई लाइन पर अटैक करने का प्लान नहीं करेगा। फिर तांगसन रोंग रोंग को समझाता है, यदि कोई बिना फाइट किए ही 1000 ली तक दूर ढकेला जा सकता है तो वह यह जरूर करेगी। जियालिंग पास पर अटैक करना इतना आसान नहीं है, यहाँ तक कि 1 मिलियन मैन आर्मी भी जल्दी से नहीं टूट सकती है, इसलिए वह सप्लाई लाइन पर अटैक करेगी और पावरफुल सोल मास्टर आएंगे। वह बस हमारी फ्रंट लाइन के पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सेना अगले 2 दिनों में मोर्चे पर पहुँच जाएगी। उसी समय का फ़ायदा उठाकर बीबी डोंग भेज सकती है। उनका पीछे से घात लगाकर अटैक करने का स्टाइल रहा है, जिस तरह से उन्होंने 2 क्लानों पर अटैक किया था। इसके बाद सब अपना अपना ज्ञान देने लगते हैं। बॉस दाई कहती हैं, तांगसन तुम्हें सैन्य मामलों का इतना ज्ञान है। ऑस्कर कहता है, वुहान हाल कम से कम लोगों को भेजेगा लेकिन पावरफुल लोगों को भेजेगा। इनकी बातों के बीच आसमान से स्पीड हाल की स्काउट फोर्स की कैप्टन बाई सियांग उतरते हुए इन्हीं लोगों के पास आ जाती है। भाईसन, हमारे स्काउट डिसाइपल को कम से कम 10 फ्लाइंग एजिलिटी टाइप सोल मास्टर दिखाई दिए हैं जो वुहान हाल के स्काउट होने चाहिए, क्या हम उन्हें रोकें? यह सुनते ही तांगसन की आंखें चमक उठी। तांगसन कहता है, क्या उन्होंने तुम्हें देखा? इस पर बाइसियांग बताती है, उनमें ईगली टाइप स्प्रिट बाइडलर हैं, उनके पास पावरफुल विजन होता है,
तो हो सकता है उन्होंने देखा भी है और नहीं भी हो सकता। इस पर तांगसन कहता है, स्पीड हल के डिसाइपल से कहो थोड़ा और अपना दायरा बढ़ा दो, जब तक कोई सोल मास्टर ना मिल जाए और उन्हें सिर्फ देखना है और कुछ नहीं। बाईसियांग हाँ कहते हुए भागने ही वाली होती है कि माहुंजुंग ने उसे पकड़ लिया और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पर बाईसियांग कहती है, तुम्हारी फ्लेम के कारण तुम्हें तो कोई आँख बंद करके भी देख लेगा, तुम परेशानी ही खड़ी करोगे। यदि अभी भी नहीं मानते हो तो मैं थर्ड ब्रदर से शिकायत करूंगी। माहुंजुंग फिर से सिर लटकाकर चुप हो गया, लेकिन बाईसियांग को देखना नहीं छोड़ा। इस पर बाईसियांग खिलखिलाकर हंस पड़ी। अचानक करीब आते हुए फेस पर किस कर दिया और कहती है, इडियट कल्टीवेशन करो, कहते हुए आसमान में उड़ गई। इस बात पर तो मानो माहुंजुंग के मन में किसी ज्वालामुखी की तरह लड्डू फूट रहे होते हैं। माहुंजुंग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा होता है। बॉस दाई कहते हैं, अरे मोटे तुम ये स्टूपिड सी स्माइल क्यों दे रहे हो? माहुंजुंग घबराते हुए कहता है, मैं क्या मैं स्माइल कर रहा हूँ? उसकी हंसी देखकर सबके सब खुद को हंसने से ना रोक सके। दाइमोबाई कहता है, यह प्यार एक बीमारी है। इसी के साथ और 3 दिन बीत गए। आर्मी को उनकी स्पीड के अनुसार जियालिंग पास पर पहुंच जाना चाहिए। फिर से 2 दिन और बीत गए। अब तांगसन को भी लगने लगता है, बॉस दाई सही है, मुझे सैन्य मामलों का इतना ही ज्ञान है। तभी एक गुड न्यूज़ आई, कुछ 50 अननोन सोल मास्टर बेस्ट में हमारे सप्लाई आर्मी के पीछे की ओर चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए। सेक्ट मास्टर बताएं क्या करना है। इस रिपोर्ट ने श्रेक 7 डेवल्स को हिलाकर रख दिया। तांगसन कहता है, फैटी तुम मेरे और साउबू के साथ आओ। बॉस तुम यहाँ न्यूज का इंतजार करो, उनके पीछे और भी हो सकते हैं। हम उन पर घात लगाकर हमला करने के बाद वापस लौटेंगे। स्पीड डिसाइपल हमें रास्ता दिखाएं। तांगसन और साउबू हाथों में हाथ डाले हुए और माहुंगजुंग फीनिक्स विंग्स से डिसाइपल के पीछे चल दिए। वेस्ट साइड में तांगसन भी आसमान से सप्लाई लाइन को देख रहा था। सप्लाई आर्मी पर यदि अटैक होता है तो वह तुरंत ही चट्टानों और गड्ढों में छिप सकते हैं। यह सभी कुछ ही देर तक 50 ली या कहूँ 25 किलोमीटर की दूरी तक फ्लाई कर चुके थे। डिसाइपल रुक गया, इशारा करते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर वे इसी दिशा में बढ़ रहे थे, यहाँ से लगभग 20 ली की दूरी पर होने चाहिए। वह लगभग 60 रैंक के होने चाहिए, लेकिन उनके ज़्यादा पास नहीं पहुँच सका था, इसलिए ये कन्फर्म भी नहीं है। तांगसन ठीक है कहते हुए उसे काम पर लौटा देता है और माहुंजुंग से कहता है, मोटू चलो नीचे उतरो। इनके आसपास लेफ्ट साइड फॉरेस्ट तो राइट साइड माउंटेन था। माहुंजुंग से कहता है, मोटे तुम 20 मीटर की दूरी से ज़्यादा दूर मत जाना, हमें नहीं पता वहाँ कितने सोल मास्टर हैं। कहने के साथ तांगसन ने माथे पर उंगली लगाते हुए बेस्ट सी पिरामिड को एक्टिव कर लेता है, जिससे ये छिप जाते हैं। और इससे अच्छा घात लगाने का और कौन सा तरीका हो सकता है? साथ ही तांगसन ने बाउंडलेस मेंटल स्ट्रेंथ को भी रिलीज़ किया और इस तरह से तांगसन ने कुछ ही देर में अपना टारगेट ढूंढ लिया। 50 काले कपड़े पहने हुए सोल मास्टर चुपचाप रास्तों को छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। भले ही 50 थे, लेकिन बिना आवाज़ किए अपने काम में लगे थे। इनमें एक वुहान हाल का एल्डर युगुआन भी था। अब इसकी पावर को तो हम जानते ही हैं, यह काफ़ी उदास था। इन दिनों युगुआन का मूड बहुत ही खराब था। अब हो भी क्यों ना, एल्डर घोष्ट का साथ जो छूट गया है। यह लीडर था और बाकी के सभी सोल मास्टर सोल एम्परर की रैंक के थे। बीवी डोंग ने काफ़ी प्लानिंग की थी। कुल मिलाकर 500 लोगों को 10 टीम में बांटा हुआ था। इसका मतलब भले ही तांगसन को सैन्य मामलों का ज्ञान न हो, लेकिन तांगसन सही था। बीबी डोंग का इरादा न केवल हेवन ड्यू एम्पायर की रियर सप्लाई लाइन को परेशान करने का था, बल्कि उसे ब्लॉक करने का भी था। युगुआन के दिमाग में अभी भी जिस दिन एल्डर ओल्ड घोस्ट मारा गया था उसी दिन का सिनेरियो चल रहा था। साथ ही वह तांगसन हो सकता है, इस पर भी भरोसा नहीं था, जो एल्डर घोस्ट को तुरंत ही मार दे। वह तांगसन कैसे हो सकता है? लेकिन उसे उम्मीद थी, यदि हेवन ड्यू एम्पायर से है तो जल्दी ही बदला लेने का मौका मिलेगा। युगुआन अपनी टीम को ऑर्डर देता है, जल्दी करो, तेज चलो, अभी भी हमें 60 ली की दूरी तय करनी है। सप्लाई को जलाने पर ध्यान दो, इनके पास जो ऑयल एंड फायर हैं उसे चेक करो, 10 ली की दूरी के आसपास। सभी ने हाँ में जवाब दिया। अचानक युगुआन को बैड फीलिंग आने लगती है। युगुआन इससे पहले वह चेक कर पाता या समझ पाता, आसपास की हर चीज़
तुरंत ही नीले समुद्र की तरह बदल गई। बाहरी दुनिया से युगवान को अलग कर दिया गया। वह कटीले नीले पेड़ के अलावा और कुछ नहीं देख सका। युगवान पागलों की तरह चिल्लाया, दुश्मन, हमला। डार्क रेड वेब ने हवा को जमा दिया। इस ब्लू वर्ल्ड के भीतर हर चीज में एक फीकी रेडिस साइन ऐड कर दी। आसपास का परिवेश किसी क्रिस्टल के टुकड़े की तरह हो गया। युगवान ने भी तुरंत ही घबराते हुए ऑड वेलवेट स्काई क्रिस्थेमस स्प्रिट को तुरंत ही एक्टिव कर लिया। पूरे 9 रिंग दिखाई देते हैं। उसी के साथ युगवान ने सेवंथ सोल टेक्निक का यूज़ किया। ये युगवान का अवतार फॉर्म हो सकता है, जिससे उसका ऑड वेलवेट स्काई क्रिस्थेमस अचानक बड़ा हो गया। युगवान भी समझ गया था वह अपनी मृत्यु के करीब पहुंच गया है, इसलिए वह भी पूरी पावर के साथ फाइट करना चाह रहा होता है। वह हवा में 10 मीटर तक दौड़ते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर उठा। उसी समय उसके उछलने के साथ उसके पैरों के नीचे एक डार्क रे लाइट फ्लैश होती हुई दिखाई दी। एनहिलेशन, आवाज़ गूंजी। अभी तक का वह ब्लू वर्ल्ड पूरी तरह से गायब हो गया। युगवान को सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने तुरंत ही उसके 49 सोल मास्टर को देखा, जो हर एक अजीबोगरीब पोज में हवा में फीके रेड क्रिस्टल से कवर किए हुए थे। ठीक इसी समय युगवान के मन में जो भी गुस्सा था वह पूरी तरह से भयानक डर में बदल गया। अपनी टीम मेंबर को बचाना तो छोड़ो, बचाने के बारे में सोचा भी नहीं। ऑड वेलवेट स्काई क्रिस्थेमस पर पैर रखने के साथ भागने लगा, जो तुरंत ही गोल्डन लाइट के रे में बदलता हुआ दिखाई दिया। शार्प एंड क्लियर म्यूजिकल कंपोजिशन साउंड नॉइस सुनाई दिया। जैसे ही युगवान भाग निकला, वह फीका रेड क्रिस्टल किसी स्ट्रेंज पावर के कारण धूल में बदलकर हवा में बह गया। यहाँ तक कि पीछे लाशें भी नहीं छोड़ी। वे 49 सोल मास्टर काफ़ी पावरफुल थे। वे 1000 की आर्मी को ख़त्म करने की पावर रखते थे, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य था। उन्होंने 100,000 ईयर की सोल टेक्निक का सामना किया था, जिन्होंने अभी तक उसकी किंवदंतियाँ ही सुनी हुई थीं। यह तंगसन की एर्थ सोल टेक्निक ब्लू सिल्वर और का डेबल मिरर इन्हीलेशन थी। तंगसन ने बेस्ट सी पिरामिड और मेंटल स्ट्रेंथ का सही यूज किया। तंगसन के पास दो ऑप्शन थे, एक तो युगवान पर सीधे अटैक करना और दूसरा लार्ज स्केल अटैक का। यदि तंगसन सीधे अटैक करता तो युगवान को मारने के 10% चांस थे, क्योंकि आखिरकार क्राइस्थेमस टूल स्प्रिट टाइप था। और भले ही युगवान की फाइटिंग पावर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर था। वैसे भी एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर को तुरंत ही मारना बेहद मुश्किल था, लेकिन घात लगाकर तुरंत ही घायल किया जा सकता है। तंगसन ने सीधा एक ग्रुप अटैक किया। तंगसन ने पहले ही तय कर लिया था वह एक भी बोहान एम्पायर के सोल मास्टर को भागने नहीं देना चाहता था। बदला तो लेना ही था, साथ में तंगसन यह भी चाहता था कि यहाँ से भागने वाले लोग बोहान हाल में यह न्यूज ना दे सकें कि कोई सप्लाई लाइन की रखवाली कर रहा है। वह 49 तो नहीं बच सके, यह तंगसन ने ही कहा होगा युगवान से। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? और डर तो युगवान के दिल के अंदर तक घर कर चुका था। वह बस दौड़ते हुए लगातार अपने आप चिल्ला रहा था, यह वही व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है। लेकिन इस समय उसके मन में एल्डर घोष्ट का जो बदला लेना था वो हवा के जैसे गायब हो गया। वह सभी को तंगसन की पावर के बारे में बता रहा था, उससे मत उलझो, उस व्यक्ति ने सुप्रीम पोंटिफ की सोल रिंग लूटने की हिम्मत की है, गुई मुई को तुरंत ही मार सकता है, उसे अकेला छोड़ दो। इसी के साथ उसने अपनी एर्थ सोल टेक्निक का यूज़ किया, जिससे वह अभी यहाँ से भाग निकल सकता था। लेकिन एक इंस्टेंट फ्लेम बॉल ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक बड़े से विस्फोट के साथ युगवान का रास्ता रोक लिया। 2 येलो 2 पर्पल 4 ब्लैक आग से कवर किए हुए 8 सोल रिंग के साथ माहुंगजुंग उसके रास्ते में था। माहुंगजुंग ने अभी अपनी राइट आर्म सोल बॉन की टेक्निक फोनिक्स वर्स्ट का यूज़ किया। युगवान के सामने माहुंगजुंग कुछ भी नहीं था, लेकिन युगवान के दिमाग में तो अभी भी तंगसन का सी गॉड ट्राइडेंट ही घुसा हुआ था। इससे वह माहुंगजुंग के अटैक से रुक गया। साथ ही श्रिक 7 डेविल्स को गाली देता है। साथ ही माहुंगजुंग की एर्थ रिंग को देखकर चौंक गया होता है। उसके हाथ में ऑड वेलवेट स्काई क्रिस्थेमस उड़ गया। यह काफ़ी बड़ा फ्लावर
फिर से अपनी अवतार स्टेट में आ जाता है। यह काफी बड़ा होता है, 10 मीटर के डायमीटर के बराबर। युगुआन की बॉडी उस फ्लावर पर आ जाती है। युगुआन की पूरी ही बॉडी गोल्डन लाइट में डूबी थी। यह अटैक से बचने के लिए था। माहुंजुंग का सोल लेवल 81 रैंक का था और माहुंजुंग इसे अपनी सोल अवतार के बिना नहीं रोक सकता है। बेशक युगुआन माहुंजुंग से नहीं उलझना चाह रहा होता है, उसे तो सिर्फ भागना था, लेकिन उसकी किस्मत खराब है जो उसने तांगसेन की स्पीड को हल्के में लिया। नतीजा यह हुआ, जैसे ही उसने माहुंजुंग को देखा तो युगुआन के मुंह पर नीचा दिखाने वाली मुस्कान थी, लेकिन उसी के साथ ब्लैक ट्राइडेंट को भी देखा जो उसका रास्ता रोका हुआ है। लेकिन उसके भागने के चक्कर में युगुआन ट्राइडेंट से टकरा गया। उसे लगा कि वह एक लोहे की दीवार से टकरा गया है। युगुआन का ऑड वेलवेट स्काई क्रिस्थेमस आसमान में बिखर गया। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ। इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, दर्द नहीं हुआ क्योंकि वह ऑलरेडी पैरालाइज्ड हो गया था। शायद इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई तांगसेन के ट्राइडेंट को झेल नहीं सकता। सी गॉड के ट्राइडेंट ने न केवल युगुआन के फ्लावर को तोड़ दिया बल्कि उसकी नसों को भी फाड़ दिया होता है। युगुआन कुछ कदम पीछे हटा, तांगसेन और साओबू को आते हुए देखा। आप, यह वास्तव में तुम हो तांगसेन, तांगसेन कहता है। हम फिर से मिल गए सीनियर क्रिस्थेमस ग्रैंड सोल मास्टर। युगुआन तुरंत ही चिंताओं में घिर गया और तांगसेन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तांगसेन, मुझे जाने दो, तुम्हें पता होना चाहिए हमने जो भी किया वह सब सुप्रीम पोंटिफ के ऑर्डर थे। यदि तुम मुझे जाने दोगे तो मैं हेवन ड्यू एम्पायर में शामिल हो जाऊंगा, साथ में वुहान एम्पायर से निपटने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं भी एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर हूँ। तांगसेन ने फिर से युगुआन को नहीं देखा। उसकी आंखों की गहराइयों में दुख था। इसका कारण नहीं पता, ऐसा क्यों? क्या उसे झुकाने के कारण था या फिर उसे कुछ याद आ गया? अब इस बार तांगसेन की बारी थी। तांगसेन कहता है, सीनियर युगुआन, उस समय स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में क्या तुमने मुझे और साओबू को जाने दिया था? क्या तुमने टेरेंट ड्रैगन क्लैन को, मेरे पेरेंट को जाने दिया था और न जाने कितनों को जाने दिया था? कांपना बंद करें। हाँ, आप एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर हो, इसलिए कुछ तो डिग्निटी के साथ मरिए। इतना सुनने के साथ युगुआन के फिर से थॉट बदल गए, चेहरा शांत हो गया। तांगसेन ने जो कहा था उससे वह समझ गया था, कुछ भी हो जाए तांगसेन उसे नहीं जाने देगा। उसने कभी नहीं सोचा था एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर के रूप में एक दिन ऐसा भी आएगा। युगुआन के चेहरे पर एक भद्दी सी मुस्कान दिखाई दी। तुम सही हो, मैं एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर हूँ, मैं क्यों झुकूंगा? मैं आज यहाँ हूँ अपनी ही वजह से हूँ। यदि मैं वुहान हाल से नहीं जुड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। यदि मेरा फिर से जन्म होगा तो मैं एक फ्री सोल मास्टर बनूंगा। शायद मौत मेरे लिए एक नई शुरुआत है। और तांगसेन से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो बिना सोल रिंग के तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है? इस पर शांत होते हुए तांगसेन कहता है, मेरे पास सोल रिंग को छिपाने की एबिलिटी है। इसके साथ तांगसेन ने सी गॉड ट्राइडेंट को आगे की ओर इशारा किया। इसी के साथ एक के बाद एक सोल रिंग दिखाई दी। 4 ब्लैक, रेड, ब्लैक, 3 रेड, 9 रिंग दिखाई दिए। यहाँ केवल युगुआन ही नहीं, माहुंजुंग भी स्टैचू जैसा हो गया। इसी के साथ युगुआन ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी फाइट करने के बारे में सोचता है। उसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर से फ्लैश हो उठी, फिर उसका सोल अवतार दिखाई दिया। यह देखते हुए तांगसेन ने शांत तरीके से साओबू और माहुंजुंग को पीछे हटने के लिए कहता है। ट्राइडेंट पहले से ही युगुआन के सीने की ओर इशारा कर रहा था। तांगसेन के पैरों के नीचे से लाइट उठते हुए दिखाई दी। उसने तुरंत ही घेर लिया। तांगसेन का भी सोल अवतार एक्टिव हुआ। इसी के साथ तांगसेन की लास्ट रिंग फ्लैश कर रही थी। युगुआन ने भी अवतार स्टेट में अपनी 9th सोल टेक्निक का यूज़ किया। युगुआन का काफ़ी बड़ा फ्लावर हवा में ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दिया। युगुआन चिल्ला रहा था और उसके प्रत्येक शब्द के साथ वह फ्लावर और बड़ा होता जा रहा था। क्रिस्थेमस रियून फिल द अर्थ विथ बाउंड फ्लावर फॉल ऑन ब्रोकन हार्ट, यह उसके शब्द थे। अपने आखिरी शब्द के साथ वह फ्लावर जोरदार विस्फोट के साथ बिखर गया। उसकी प्रत्येक पंखुड़ी हाफ मून ब्लेड की तरह बाहर निकल रही थी। एक गोल्डन बवंडर बन गया जो सीधे तांगसेन पर आसमान से गिरने लगा।
बस इसी समय ब्लू सिल्वर अवतार की स्टेट में तांगसन की ब्लू लाइट अचानक एजियोर हो गई। चौंकाने वाली बात यह है, एक ड्रैगन रोने की आवाज़ के साथ निकला और नाइन्थ रेड सोल रिंग से तुरंत ही उसकी बॉडी मर्ज हो गई। एक इनक्रेडिबल एजियोर ड्रैगन तांगसन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। स्काई ब्लू बुल पाइथन द मिंग ने इस इच्छा को अच्छे से पाला लेकिन कभी इसे पूरा नहीं किया और तांगसन की नाइन्थ रिंग के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और वह आखिरकार सफल हुआ। यह एजियोर ड्रैगन सेप दामिंग का इवॉल्व रूप था। यह तांगसन की नाइन्थ सोल टेक्निक में से एक ब्लू सिल्वर स्काई ब्लू ड्रैगन सोल है। युगवान और कितनी देर तक सर्वाइव कर पाता है यह हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।